कानपुर, युवक को फेसबुक पर दोस्ती करना पड़ा महंगा। युवक से युवती ने वीडियो कॉल पर बात करके युवक के चार अश्लील वीडियो बना लिए, फिर युवक को ब्लैकमेल करने लगी। देखिए ये रिपोर्ट। यह प्रकरण थाना गोविंद नगर जनपद कानपुर नगर से संबंधित है। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई जाती है कि उसको कुछ व्यक्ति परेशान कर रहे हैं, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर डालने की धमकी दे रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस अधिकारी के नाम पर धमकी दे रहे हैं। इससे वो व्यक्ति परेशान हो जाता है और लगभग 29 लाख रुपये जो है ब्लैकमेल करने वाले व्यक्तियों के अकाउंट में डाल देता है। उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाती है थाना गोविंद नगर में। उस शिकायत के आधार पर जनपद की क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा और स्थानीय थाने के द्वारा जांच की जाती है। इसमें जिस अकाउंट में पैसे डाले गए होते हैं उस अकाउंट को तस्दीक किया जाता है, तो अकाउंट होल्डर जिसका नाम सोनू है वो सामने प्रकाश में आता है। उसके द्वारा ये बताया जाता है कि ये अकाउंट उसके नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगों के द्वारा खुलवाए गए थे। तो जांच के क्रम में ये सामने आया कि जिसमें कुछ अन्य व्यक्ति प्रकाश में आए जिनके नाम इस प्रकार से हैं, अशोक कुमार सन ऑफ वीर सिंह, ये झज्जर जिला झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं, और भगवत प्रसाद सन ऑफ किशोरी लाल, ये पैठा गांव के जनपद मथुरा के रहने वाले हैं। ये दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इन दो व्यक्तियों ने पूछताछ में बताया कि इनके साथ अन्य लोग भी हैं जो कि नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से अकाउंट खुलवाते हैं और इस अकाउंट का प्रयोग वो इसी तरह से ब्लैकमेलिंग करने या हनी ट्रैप करने, इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी वास्तविक पहचान छिपी रह सके। इस आधार पर उन्होंने पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं जिसमें हरियाणा के जिंद पुलिस के द्वारा इनको जेल भी भेजा गया था। कुछ व्यक्ति इनके जेल से कुछ समय पहले भी बाहर निकले और फरार हो गए और फिर से ये काम कर रहे हैं। जो अन्य व्यक्ति हैं उनके पीछे पुलिस की टीम अपनी गई हुई है, अन्य जनपदों में, अन्य राज्यों में उनकी उनको पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय या अन्य व्यक्तियों से यह अनुरोध भी है साइबर पुलिस कानपुर नगर का कि जब भी बैंक में कोई भी अकाउंट अपने खुलवाएं तो उसके बारे में अपडेट जरूर रखें ताकि उसका किसी तरह से मिसयूज ना हो।